तो अभी ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब इसको जो कॉपी किया है इसको हम इस तरह से मोशन करवा के लेके आएंगे। जब मध्य प्रदेश को हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से मोशन करके आए, ये हम चाहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो आप ये एनिमेशन दे रखे हैं इसको आप यूज करेंगे, और इसमें इफेक्ट ऑप्शंस को यूज करते हैं। इस तरह का आप एनिमेशन ला रहे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे ये केवल यहाँ तक ही आया है। इसे हम बढ़ाना चाहेंगे, सॉरी ये हम चाहेंगे कि यहाँ पे आए, तो इसे हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एनिमेशन तो ये यहाँ पर। अब मैं मध्य प्रदेश को क्लिक करूंगा तो ये मैप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं ट्रिगर ऑप्शन यूज करूंगा। मैं ट्रिगर में एम पी कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ, सॉरी प्रीव्यू मैंने मध्य प्रदेश को क्लिक किया तो ये आपको ट्रिगर से यहाँ पे। इस तरह की ही और भी आप एनिमेशन जैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि ये हार्ट को आप क्लिक करें तो ये अलग से दिखाई दे आपको। ये इस तरह से आप एनिमेशन जो है वो ट्रिगर का यूज करके आप कर सकते हैं। अब कुछ 3D मॉडल्स को हम देखेंगे, बहुत ज्यादा हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी हैवी होते हैं इस तरह के एनिमेशन जो कि सिस्टम को हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि जैसे केमिस्ट्री का आपको चाहिए तो केमिस्ट्री का आप क्लिक करिए, और जो भी एनिमेशन अगर आपको चाहिए जैसे ये आपको चाहिए तो इसे इंसर्ट करवा देते हैं हम, ये इंसर्ट। तो आप देखेंगे ये जो इंसर्ट हुआ है इसको तो ये हटा देते हैं हम बाकी एनिमेशन, ये इंसर्ट हमने किया है। अब इसको हम एनिमेट कर सकते हैं, देखिए जैसे टर्नेबल करना है आपको, तो ये टर्न हो रहा है, देखेंगे आप ये टर्न इस तरह से हो रहा, थोड़ा सिस्टम हैंग होगा जैसे इस तरह से जंप एंड टर्न, या आप देखिए इस तरह से विंग करवाना है, विंग हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो 3D एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। कई सारे एनिमेशन वहां दे रखे हैं 3D एनिमेशन से आप यूज कर सकते हैं। ये 3D एनिमेशन थे जिनको हम यूज कर, ये देखेंगे किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। तो एक हम लेक्चर लेते हैं, यही लेक्चर लेते हैं, इसमें ही रिकॉर्डिंग करते हैं। दो तीन नई स्लाइड लेता हूं मैं, तो उसको रिकॉर्ड करके बताता हूँ, क्योंकि तो जब इतनी सारी स्लाइड्स को हम करेंगे रिकॉर्ड तो इट विल टेक सम टाइम। हमने ये नई स्लाइड ले ली है, इस स्लाइड के लिए हम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे सेव करेंगे। देखिए मैं कुछ दो तीन स्लाइड्स जो है वो ले लेता हूँ और उसको समझा कर जो है एक रिकॉर्डिंग करते हैं कि कैसे होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्लाइड शो पर जाना होगा। स्लाइड शो पर जो है जाकर हम यहाँ रिकॉर्ड स्लाइड शो इस पर क्लिक करेंगे, तो ये एक अलग इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ नोट्स आप इंसर्ट कर दीजिए। तो नोट्स से क्या होगा कि एक मिनट, ये तो भी ब्ला, ये मैंने नोट्स इसमें इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड स्लाइड शो करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट स्लाइड जैसे स्टार्ट हुई है, तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगा, तो जब नोट्स को यहाँ पर दूंगा तो ये देखिए आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब रिकॉर्डिंग होगी तब ये नहीं दिखाई देगा, केवल आपकी जो स्लाइड है और आपका जो वीडियो है, आपका ऑडियो है और आपकी स्लाइड, यही दिखाई देगी, लेकिन आपका नोट्स नहीं दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि हमें काफी कई बार हम कुछ पॉइंट्स अगर स्किप करते हैं तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसको रिकॉर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आप सभी को, गवर्नमेंट होलकर कॉलेज के द्वारा जो ये एपीपी करवाया जा रहा है इसमें आपका सभी का स्वागत है। और यहाँ से आप एनोटेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप अगर आपको कुछ करना है लिखना है तब भी आप स्लाइड पे लिख सकते हैं। तो ये देखिए यह आज का टॉपिक है, इस तरह से आप जो है वो वीडियो बना सकते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, प्रोडक्शन देखेंगे इसमें हम,
Alt-Tab, ये सभी हम देखेंगे। तो लेट्स मूव। इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप इसमें बता सकते हैं। तो ये वीडियो हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में तो हम 5 मिनट का हो चुका है, सॉरी, अब इसे हम स्टॉप कर देते हैं। और बैक में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ वीडियो इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको दिखाई देगी, वीडियो भी आपको दिखाई देगा वहां पे। अब फाइल में जाकर इसे सेव करना है तो आप कैसे करेंगे, सेव एस, और यहाँ पर आपको जो भी जहां पे भी इसे करना है यहाँ इसे MPEG फोर में आप सेव करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ट्रायल वीडियो है तो इसे हम ट्रायल वीडियो के नाम से सेव कर लेंगे। और सेव, ये जो है यहाँ पर आपको टाइमिंग भी बताएगा कि कब कितना मतलब कंप्लीट हुआ है, इस तरह से। तो ये एक तरीका है जिससे हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हमने कई सारे पावर पॉइंट के कई सारे फीचर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, और आप देख सकते हैं ये कई सारे, और एक्सपोर्ट तो वीडियो भी करेंगे तो भी यहाँ से ये वीडियो के रूप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे जिनको हमने देखा। इस पूरे लेक्चर्स को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और